Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 17.2. So question number 1, यहाँ पे हम लोगों को mean find out करना है. ये chapter हम लोग class 6 में already कर चुके हैं. Let me just refresh it. तो मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या है क्वेश्चन में, 40, 30, 30, 0, 26 एंड 60. तो हम लोग इन सबको देखिए किस तरह से लिखे हैं, 40 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 0, 0 को भी काउंट करना है, प्लस 26 प्लस 60 एंड नाउ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6. जैसा कि आपने देखा मैंने जीरो को भी काउंट किया, सो प्लीज डोंट फॉरगेट जीरो. तो ये हो गया 6. ऐड करने पे हमारा आंसर आया 186/6, डिवाइड करने पे है 31, देयरफॉर मीन इज 31. सेकेंड पार्ट, द ऑब्जर्वेशन आर 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम लोग पहले सबको ऐड किए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. सो ऐड करने पे आया 63/7, जब रिड्यूस किए तो आंसर आया 9. सो द मीन इज 9. क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स. सो होल नंबर्स क्या होता है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, राइट. तो हम लोगों को मीन निकालना है फर्स्ट 5 होल नंबर. दैट मींस यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3 एंड 4. 1, 2, 3, 4, 5. सो फर्स्ट 5 होल नंबर, जस्ट बिकॉज ये होल नंबर है इसीलिए वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 0. क्लियर. अब इसका हम लोगों को मीन निकालना है. सो मीन का फॉर्मूला क्या है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 5, 1, 2, 3, 4, 5, राइट. तो इन सबको ऐड करने पे आंसर आया 10/5. 5 1 = 5, 2 = देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 2. This is the answer. Question number 3. A batsman scored the following number of runs in 6 innings. और वो है 36, 35, 50, 46, 60 and 55. Now we have to calculate the mean run scored by him in an inning. So, mean क्या हो जाएगा, पहले सबको ऐड करना है, दैट इज 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट. तो इन सबको ऐड करके हमारा आंसर आया 282/6, 6, 1, 4 एंड 7. Therefore, the mean run scored by him is 47. So, this is the answer. Question number 4. The enrollment in a school during 6 consecutive years was as follows. 1,555, 1,670, 1,750, 2,013, 2,540, 2,825. अब इसका हम लोगों को मीन निकालना है. तो अब तो आपको प्रोसेस आ ही गया होगा. मीन इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करो, राइट. तो सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग इस तरह से लिखकर ऐड करेंगे, मेक श्योर कोई एरर ना हो. 2,540 + 2,850
5, right? Now this divided by number of observation 1, 2, 3, 4, 5, 6. So after adding this, हमारा आंसर आया 1, 2, 3, 5, 3 divided by 6. तो इसको रिड्यूस प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आएगा डेसिमल में 2058.83, राइट? अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे देखिए, ये जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद ये जो फर्स्ट नंबर है 8, दिस इज मोर देन 5, राइट? तब ये क्या करेगा, 8 बगल वाले नंबर को प्लस 1 दे देगा, राइट? और हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 2059, ये हो गया प्रॉपर आंसर विदाउट एनी डेसिमल, डेसिमल हम लोग हटा दिए, राइट? देयरफॉर मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल इज इक्वल टू 2059. लेट मी रिपीट, जब कभी आंसर्स डेसिमल में आता है तो डेसिमल के बाद हम लोग नंबर्स को देखते हैं और वो अगर मोर देन 5 हुआ तो वो बगल वाले को प्लस 1 देता है और अगर वो लेस देन 5 है तो उसको सीधा ओमिट कर दीजिए, यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा. फॉर इंस्टेंस, अगर 8 की जगह यहाँ 4 होता तो हमारा आंसर क्या होता, 2058, नो एडिंग ऑफ एक्स्ट्रा नंबर. बट जस्ट बिकॉज 8 है विच इज मोर देन 5, प्लस 1 हुआ और हमारा होल नंबर आंसर है 2059. क्वेश्चन नंबर 5, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन द साइंस टेस्ट आर 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75. ये सारा नंबर्स है आउट ऑफ 100. Now we have to find the highest and the lowest marks obtained by the student. So first part, highest और है lowest, right? So यहाँ हमारा highest क्या है, 95, लिख दिए 95, और lowest क्या है, 39. Part 1 done. सेकेंड पूछा गया है, फाइंड द रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड. रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, रिमेम्बर लास्ट एपिसोड में था, रेंज इज इक्वल टू, सो रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, राइट? तो यानी कि 95 माइनस 39, क्योंकि 95 हाईएस्ट था मैक्सिमम और 39 है लोएस्ट, सो इसको करने से हमारा आंसर आया 56. सो दिस इज द रेंज. नाउ थर्ड पार्ट पूछा गया है, नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स. तो चलिए शुरू करते हैं. सो मीन इज इक्वल टू 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट? तो इन सबको ऐड करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, वो है 730 डिवाइड बाय 10, 0 एंड 0 गेट्स कैंसिल्ड, सो देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 73. सो दिस इज द आंसर. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Press the bell icon and select all for every update.